लगाओ तो भी आ जाए बड़ा बड़ा आ जाए दंत प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आज हम बताएंगे आपको इंक्वायरी के बारे में। तो कहते हैं जांच, ठीक। इंक्वायरी क्या होती है, ठीक ना? इंक्वायरी मीन्स एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर कोड। कोड का मतलब सीआरपीसी। किसके द्वारा किया जाता है? बाई मजिस्ट्रेट। बाई मजिस्ट्रेट। इसमें यह है कि इंक्वायरी के अंतर्गत वो बात आती है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के तहत किया जाता है, लेकिन उसमें ट्रायल का विचारण नहीं आता। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या होता है? हमेशा इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होती है और किसी द्वारा नहीं होती। और ये इंक्वायरी का उद्देश्य क्या है? तथ्य की सत्यता का पता लगाना कि जो चीज है उसमें सत्यता कितनी है, इसका पता लगाया जाता है इंक्वायरी से, ठीक ना? जैसे कोई चार्जशीट न्यायालय में आती है, ठीक ना? तो चार्जशीट सर्वप्रथम किसके द्वारा इंक्वायरी की जाती है? मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि उसमें वो प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर को सारे तथ्य और साक्ष्य हैं जिनसे प्रथम दृष्टा मामला बनता हो, प्रमाण एसआई केस में आउट हो रहा मामला बनता है, ठीक। इसकी जांच कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। चार्जशीट पुलिस के द्वारा अगर मजिस्ट्रेट को समझ पेश किया गया तो इंक्वायरी करता है। किस लिए इंक्वायरी करता है? जो चार्जशीट में करते हैं क्या उससे प्रामाणिक पेशाई केस बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक। उन तथ्यों में सत्यता कितनी है, अगर उसमें कोई कमी है उस चार्जशीट को मजिस्ट्रेट बैन कर देता है, मतलब पुलिस अधिकारी को वापस कर देता है कि अब ये चार्जशीट जो है आपकी कंप्लीट नहीं है, प्रामाणिक पेशाई केस बन नहीं रहा है और इसमें कमी है, इस जाके आप इन्वेस्टिगेट करिए और सही करिए, ठीक। इंक्वायरी सुन आ गई। इंक्वायरी किसके द्वारा होती है आप बताइए? ओनली मजिस्ट्रेट। समझ गए ना? इंक्वायरी कौन करता है? इसे होता नहीं है कोई अपराध हुआ, क्या कहते हैं भाई? इसमें जो है मजिस्ट्रेटियल जांच होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जुडिशियल जो इंक्वायरी होती है वो न्यायिक प्रकृति का होता है, न्यायिक होता है।
इसे केवल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक ना। सियाद ऋषि की धारा 107, धारा 107 इसके अंदर जो भी कार्रवाई की जाती है वो इंक्वायरी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? इंक्वायरी के अंतर्गत आता है। अब कौन सी कार्रवाई कैसे कार्रवाई इससे प्रोसीडिंग नहीं है, कौन सी इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी मानी है, इसका क्या आधार है? पहला आधार है जांच का उद्देश्य क्या है, जांच का उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा, जांच की प्रकृति क्या है, ठीक। पहला जांच का उद्देश्य क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कोई इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी है। कैसे हम पता लगाएंगे कोई इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी है, उसका आधार है जांच का उद्देश्य ऑब्जेक्ट, इंक्वायरी का ऑब्जेक्ट क्या है, जांच की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द इंक्वायरी। तीसरा है जांच करने वाले अधिकारी की शक्तियां क्या है, ठीक। ये तीन आधार हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि कोई इंक्वायरी जुडिशियल इंक्वायरी है कि नहीं। इन्हीं आधारों पर जब उसकी हम समीक्षा करेंगे तब पता लगेगा कोई इंक्वायरी जो है जुडिशियल इंक्वायरी है कि नहीं, ठीक। इंक्वायरी क्लियर, इंक्वायरी किसके द्वारा होता है, ओनली बाय सिस्टम, और कुछ नहीं, बस ये जान इसको मत कभी भूलिएगा। और इसकी प्रकृति क्या होती है, न्यायिक प्रकृति होती है, ठीक ना। अब प्रमुख बिंदु पे आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं इसको डिफाइन किया जा रहा है। अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, इसको विवेचना भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचना, इन्वेस्टिगेशन। ये किसके द्वारा होती है, पुलिस अधिकारी के द्वारा, किसके द्वारा, ओनली पुलिस अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो केवल पुलिस अधिकारी के द्वारा होता है। और किस लिए होता है, साक्ष को एकत्र करने के लिए, ठीक है, साक्ष को एकत्र करने के लिए। साक्ष को एकत्र करने के लिए इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा होता है, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी द्वारा। कोई घटना घटी, किसी ने सूचना थाने को दिया, चाहे लिखित दिया चाहे मौखिक दिया, मामला संज्ञेय है, तुरंत पुलिस एजेंसी चालू हो जाएगी,
और पुलिस अधिकारी थाने से घटनास्थल पर प्रस्थान करेगा, वहीं से उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। ठीक, इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट नहीं आते, कौन नहीं आता है? ये कभी मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं होता, ये हमेशा पुलिस अधिकारी या ऐसे व्यक्ति के द्वारा होता है जिसको मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया है कार्य इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्राधिकृत किया है, अथराइज किया है, वही व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। पहला पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट को छोड़कर ऐसा व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया है, प्राधिकृत किया है, वो उसके द्वारा जो है साक्ष्य को एकत्र करने के लिए सारी कार्रवाई एवं यहां तक कि सारांश मिनट सेल में चार्जशीट दाखिल करने तक जो भी सारी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। ठीक है ना, क्लियर? और ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो आपके संहिता में बंद दिए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं, उनके अंतर्गत किया जाता है, इससे इधर उधर नहीं किया जाता है, उन नियमों के तहत ही किया जाता है। उद्देश्य क्या है आप बोलिए, इसका उद्देश्य क्या है आप बोलिए, इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य क्या है आप बोलिए? हाँ, किसके द्वारा? ये मजिस्ट्रेट द्वारा होता है नहीं, केवल पुलिस अधिकारी या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको मजिस्ट्रेट ने अथराइज किया, इसमें मजिस्ट्रेट नहीं होता। और सीआरपीसी की धारा 190 सेक्शन 190 में स्पष्ट रूप से एक रूल है, प्रावधान है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए स्वतंत्र है, साक्ष्य को एकत्र करने के लिए वो कौन सी विधि अपनाएगा, कौन सी रीत अपनाएगा, उसके ऊपर निर्भर, इसको कोई गाइडलाइन नहीं दे सकते। पुलिस को केस को मेक आउट करना है तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है किस रीत के तहत, किस पद्धति के तहत वो अन्वेषण करेगा, इसकी गाइडलाइन मजिस्ट्रेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके नियंत्रण में नहीं। ठीक ना, अब इसमें क्या क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन में कैसे होता है? सब प्रथम घटना स्थल की ओर प्रस्थान, घटना की ओर प्रस्थान, यही स्टार्ट होता है। ठीक, दूसरा मामले के तथ्यों यों मामले के तथ्यों यों परिस्थितियों का निर्धारण। ठीक, घटना स्थल पर प्रस्थान करेगा पुलिस अधिकारी, वहां जाएगा, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का निर्धारण करेगा। तीसरा क्या है, अभियुक्त की खोज करेगा अगर फरार है, की खोज क्या करेगा, खोजेगा मुजरिम को, खोजेगा और उसकी क्या करेगा, मिल गया तो गिरफ्तार।
स्वीकार करेगा, गिरफ्तार भी करेगा। ठीक, ये मुलजिम को गिरफ्तार क्यों करता है पुलिस? क्यों आप बताइए? उसने गिरफ्तार तो अपराध हो ही गया, अब उस अपराध में कुछ कम ज्यादा हो नहीं सकता, गिरफ्तारी क्यों करता है? गिरफ्तारी ये इसलिए करता है जो साक्ष्य है उसको अभियुक्त मिटा ना दे, उसको प्रभावित ना कर दे, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसको उस इवेंट से अलग कर दिया जाता है, जिससे जो साक्ष्य हमको कलेक्ट करना है, पुलिस अधिकारी को कलेक्ट करना है, उसको प्रभावित ना कर सके। अगर खुले रूम में मुलजिम डरता रहेगा तो उसको साक्ष्य को समाप्त कर देगा, जो गवाह है वो ट्राइश कर देगा, मार सकता है, जो उससे और भी साक्ष्य है इधर उधर जो है उसने रिलेटेड उनको इधर उधर कर सकता है। तब गिरफ्तारी इसीलिए आवश्यक होती है पुलिस के द्वारा, भाई जब उनको पकड़ लेंगे तभी तो साक्ष्य कलेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो सारे साक्ष्य समाप्त कर। कोई व्यक्ति अपराध करता है मैक्सिमम प्रयास करता है वो सारे साक्ष्य मिटा दिए जाए, खत्म कर दिए जाए, जिससे उसका मामला वो न बन पाए कि उसने अपराध किया है। होता है क्या, क्या करते हैं अपराध करते हैं, चाकू कहीं छिपा देते हैं, असलाह कहीं फेंक देते हैं, जो भी कर देते हैं छिपाते हैं ना, अपने आप को छिपाते हैं कि कहीं हमारे द्वारा ना कोई उस तरह की कोई तथ्य सामने आ जाए जिससे हम उसमें बात हो जाए। ये सब सारे क्या कृत्य है अभियुक्त साक्ष्य को अदरवाइज करने, जिससे कोई साक्ष्य बचेगा। कभी कभी कोई मामला ऐसा आता है बहुत खोजने के बाद, बहुत इंटरप्रिटेशन करने के बाद साक्ष्य कोई कलेक्ट हो नहीं पाता और केस जो है आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है कि वास्तव में मुलजिम कौन है और कैसे इसकी हत्या हुई है, किसके द्वारा हुई, क्या हुआ, कोई साक्ष्य नहीं कर पाता होता ना। ज्यादातर लोग क्या होता है परिवार में अगर कोई बहुत जल गई है तो उसको जला देते हैं और जला देते हैं, जिससे उसका जो भी जो साक्ष्य है वो समाप्त हो जाता है, अंत्येष्ट कर देंगे बिना पुलिस की सूचना के। भले ये पति ने या पति के घर वालों ने उसको प्रताड़ित किया, ठीक, वो स्वयं उसको जलाए या वो जल गई उनके प्रताड़ना से, तो लोग करते क्या है उसको तुरंत चुपके से रात में किसी भी रूप में ले जा करके जला देते, उससे रिलेटेड जो भी साक्ष्य हो वो समाप्त। और साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलते हैं, पीएम रिपोर्ट से। जब जला दिया गया पीएम किसका होगा? किसमें साक्ष्य खत्म कर देते हैं, इसीलिए गिरफ्तारी होती है कि जब से कम इनको अवसर मिले साक्ष को हटाने के लिए मिटाने के लिए, इसीलिए पुलिस गिरफ्तार। कॉन्सेप्ट क्लियर? गिरफ्तार दंड के लिए नहीं करता, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में सारे जो डकान आते हैं मुलजिम के द्वारा उसको दूर करने के लिए, जिससे जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई दिक्कत ना हो, वो सारे साक्ष कलेक्ट हो जाए जो इसके अगेंस्ट हैं, जो इस क्राइम को ओपन करेंगे, इसीलिए गिरफ्तारी होती है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया गिरफ्तारी का? हाँ भाई, किसी कार्य का कोई उद्देश्य होता है ना, निरुद्देश्य कोई कार्य होता नहीं है, पुलिस वाले ऐसा थोड़ा है कि चल पकड़ के गिरफ्तार कर लेंगे, किसी पर्पज से करते हैं, किसी उद्देश्य से करते हैं, ठीक ना। और जैसे इसी मामले में आरोप पत्र चार्जशीट या यथार्थ फाइनल रिपोर्ट
फाइनल हो, ठीक दुई होगा, या तो चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन के बाद दाखिल करेगा पुलिस अधिकारी, या तो एफआईआर दाखिल करेगा। एफआईआर मतलब प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बन रहा, फाइनल रिपोर्ट उसको देते हैं, वो फाइनल रिपोर्ट किसके पास देते हैं, मजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी की। अगर वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जो है करके फाइनल रिपोर्ट स्वीकृत कर देता है तो ये इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस नहीं है, मजिस्ट्रेट के द्वारा एक इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई हस्तक्षेप स्वीकार, फाइनल रिपोर्ट भेजे मजिस्ट्रेट स्वीकार की। उससे संबंधित अगर कोई बाधित व्यक्ति है तो उस एफआईआर को प्रोटेस्ट एप्लीकेशन डालता है कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के, अब वो फिर उसके बाद वो होगा वो एज ए कंप्लेन के रूप में दर्ज होता है। कंप्लेन मतलब परिवार, ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन क्लियर, कोई दिक्कत। दूसरा आता है विचारण ट्रायल, विचारण ट्रायल। अभी हम तीनों का अंतर रहे हैं, अब और आदमी का कॉन्सेप्ट ये रख लिया विचार। विचार ईंधन प्रक्रिया संहिता में सीआरपीसी में विचारों को कहीं डिफाइन नहीं किया, कहीं डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इससे अपना ये होता है कि न्यायालय की वो सभी कार्यवाहियां, न्यायालय की सभी कार्रवाइयां जो किसी आदमी को दोषसिद्ध कन्विक्ट या दोषमुक्त करती हैं, किसी व्यक्ति को क्या करती है बोलिए, दोष दोषसिद्ध होगा पहले, दोष सिद्ध या दोष मुक्त, ठीक। ये न्यायालय की वो सभी कार्रवाई जिससे एक व्यक्ति दोष सिद्ध होता है या दोष मुक्त होता है, वो सभी कार्रवाइयां क्या होती हैं, विचारण वो ट्रायल, ठीक। अब उसमें कई कार्रवाई होती है, सर्वप्रथम ट्रायल कहां से शुरू होता है, सर्वप्रथम बनता है आरोप, चार्ज बनता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है आरोप, इसको फैक्टिंग इश्यू भी बोलते हैं, क्रिमिनल क्या बोलते हैं फैक्टिंग इश्यू, फैक्टिंग फैक्टिंग इश्यू बोलते हैं, विवादक तथ्य एविडेंस मामला, तो आरोप बन गया, उसके बाद क्या होता है, तब उसके बाद एविडेंस की कार्रवाई चालू होती है, तो यहीं से ट्रायल शुरू होता है, ठीक। ये इसी यहीं से स्टार्ट होकर दोष सिद्ध या दोष मुक्त तक चलता है, जो सारी प्रोसीडिंग चलती है उसी को क्या कहते हैं, विचारण ट्रायल, क्लियर। अब जरा तीनों का अंतर जान लो,
यहाँ लिखो अन्वेषण, लिखो अन्वेषण। यहाँ लिखो जांच और यहाँ लिखिए विचारण। अन्वेषण, जांच, विचार। नोट कर लीजिए, इसकी प्रकृति जो होती है नंबर एक, प्रकृति न्यायिक नहीं होती है। अन्वेषण में इसकी प्रकृति न्यायिक नहीं होती है, जांच में लिखिए इसकी प्रकृति न्यायिक होती है। ठीक, विचार में लिखिए इसकी भी प्रकृति न्यायिक होती है, केवल अन्वेषण जो है न्यायिक नहीं होता। ये दो न्यायिक है। ठीक, दूसरा अन्वेषण, अन्वेषण में अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, या कोई भी व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत उसके द्वारा होती है, ये कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं की जाती है, माने पुलिस अधिकारी के द्वारा कार्रवाई की जाती है अन्वेषण का, या मजिस्ट्रेट के द्वारा जो अपराधी व्यक्ति है उसके द्वारा होती है, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं होती। ठीक, अब इंक्वायरी में लिखिए जांच में, जांच की कार्रवाई मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। और विचारण भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। ठीक ना, क्लियर। तीसरा लिखिए, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य साक्ष्य को कलेक्ट, एविडेंस को कलेक्ट। और इंक्वायरी का क्या उद्देश्य होता है, दोष मुक्त करना या सत्र न्यायालय को सुपुर्द करना या अधीनस्थ न्यायालय को सुपुर्द। और विचारण का उद्देश्य क्या होता है, किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करना या दोष मुक्त करना। ठीक, चौथा क्या होता है, अन्वेषण अपराध एवं शांति धन के मामले में साक्ष्य को एकत्र करने के लिए होता है। ठीक, और इंक्वायरी इसलिए की जाती है, क्या वास्तव में कोई प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसकी जांच होती है। केस में अपराध नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी इंक्वायरी की जाती है। और विचारण, अपराध पर विचार किया जाता है। ठीक ना, क्लियर। तीनों का जो अंतर है आपस में, डिफरेंस है, वो क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका टाइम क्या?
क्या हो गया है, कब हो गया? चलो पांच